हेलो फ्रेंड्स, जेके गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का पल्प कैसे आसानी से निकालना है और इस पल्प को किस तरह आप स्टोर कर सकते हैं वो देखेंगे। इस पल्प का यूज़ करके आप काफ़ी सारे रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल बांसुंदी, आइसक्रीम और मिल्क शेक। कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो वेल राइप कस्टर्ड एप्पल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकालते हैं तो इसी तरह हमें बड़े साइज़ के ही कस्टर्ड एप्पल परचेज करना है, क्योंकि बड़े साइज़ के कस्टर्ड एप्पल में पल्प की मात्रा ज़्यादा होती। अब यहाँ पे हम इसका पल्प निकालेंगे तो बाउल में हम इस तरह जूस स्ट्रेनर रखेंगे और कस्टर्ड एप्पल को इस तरह हम ब्रेक कर लेंगे और चम्मच की सहायता से स्कूप आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कस्टर्ड एप्पल को इस तरह स्कूप आउट करते हैं और इसमें हमें थोड़ा सा भी पोर्शन ख़राब दिखे तो वो हमें यूज़ नहीं करना है। अगर हम वो पोर्शन यूज़ करेंगे तो जो हमारा पल्प है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब विस्कर की मदद से हम इस तरह रब कर लेंगे। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो चम्मच की सहायता से आप इस तरह रब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पल्प निकलने लगा है। अब यहाँ पे पल्प में से बीज भी सेपरेट होने लगे हैं, तो हम चम्मच की सहायता से बीज को निकाल देंगे। चम्मच से भी आप इस तरह पल्प को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह पल्प को निकालते हैं तो बहुत आसानी से कस्टर्ड एप्पल का पल्प निकल के रेडी हो जाता है। अब इसमें एक भी सीड्स नहीं है तो हम इस पल्प को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पल्प निकल के रेडी है। अब इसमें हम 2 चम्मच जितनी शुगर ऐड करेंगे। इस पल्प में शुगर ऐड करने से जो हमारा पल्प है वो काला नहीं पड़ेगा और शुगर एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि जो हमारा पल्प है वो ऊपर से भी अच्छा रहे। और इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे और इसको हम फ्रीज़र में महीनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पल्प को 1 महीने पहले इसी तरह स्टोर किया था। ये पल्प बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी ये पल्प निकाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह ये पल्प को फ्रीज़र में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। इस तरह सीताफल के पल्प को स्टोर करके जब सीताफल की सीज़न ना हो फिर भी आप सीताफल की बांसुंदी, आइसक्रीम, मिल्क शेक बना के एंजॉय कर सकते हैं। सीताफल की बांसुंदी कैसे बनानी उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों।